केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित सफाई मित्र सम्मान समारोह में भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने सफाई मित्रों का पुष्प वर्षा के माध्यम से अभिनंदन किया। इस अवसर पर महापौर पुष्य मित्र भार्गव, सांसद विधायक सभापति एमआईजी सदस्य और पार्षदगण भी मौजूद थे। मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए स्वच्छता अभियान को 10 साल पूरे हो गए हैं। इस अभियान को जन आंदोलन का रूप दिए जाने की सराहना की और कहा कि इंदौर ने स्वच्छता में 7 बार देश में नंबर 1 का खिताब हासिल कर मिसाल कायम की है। इंदौर की तारीफ करते हुए कहा कि इंदौर देश का दिल है और जब दिल से कोई आवाज निकलती है तो पूरा देश उसे सुनता है। उन्होंने मोदी के 2047 के विजन का जिक्र करते हुए कहा कि जब भारत विश्व मंच पर चमकेगा तब स्वच्छता और विकास की यात्रा और भी महत्वपूर्ण होगी। गुजरात के सूरत द्वारा भी इस बार स्वच्छता में संयुक्त रूप से नंबर 1 का तमगा हासिल करने पर मंत्री ने कहा कि इस प्रकार की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से पूरा भारत स्वच्छ और विकसित बनेगा और अन्य जिले भी इस दिशा में आगे आएंगे। इंदौर से ललित शर्मा की रिपोर्ट। गुजरात सूरत टक्कर दे रहा है कि दूसरे शहर भी टक्कर दे रहे हैं स्वच्छता के मामले में। नहीं देखो, सभी ये एक दूसरे की स्पर्धा रहेगी तभी तो हम अपने आप में सब आदमी के मन में रहेगा कि नहीं यार इससे आगे मैं नहीं निकल जाऊं। सब जगह हर जगह अपना अपना, ये तो अभी शहर ले रहे हैं, कल से ग्राम पंचायत स्कूल स्वास्थ्य विभाग सभी लेंगे तभी तो हमारा भारत विकसित होगा।